तो गुड मुदिकर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मुबारक है और मैं हरियाणा से हूँ। आज मैं आप लोगों को मुदिकर के जो परिवर्तन है, मुदिकर का जो बिजनेस प्लान है, उसके बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। मुदिकर क्या है, मुदिकर कहाँ से शुरू हुआ और मुदिकर का बिजनेस प्लान क्या है, आज वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले परिवर्तन, हमें एक परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर मौसम बदलता है, पेड़ भी पत्तों को छोड़ देते हैं, उसके बाद नए पत्ते आते हैं। तो परिवर्तन एक प्राकृतिक की देन है और परिवर्तन हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन सी एक फोटो है जिसपे इस कंपनी के मालिक छपे हुए हैं, जिनका नाम है मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने एक नारा लगाया कि सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। दोस्तों, ये सच्चाई है कि अगर हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, उसके बाद हम खुद बदलेंगे, तब जाके दुनिया बदलती है। तो ये बहुत ही जरूरी है परिवर्तन लाना। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं किया, वो लोग इस दुनिया से इसी तरह चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने परिवर्तन किया, वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को जी के चले जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं और शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। क्या आप लोगों के कुछ सपने हैं, क्या आपने सपनों के साथ जी रहे हैं, क्या अभी भी आपके सपने जिंदे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सपने कैसे होते हैं। सपना रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान का हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, वर्क लाइफ बैलेंस, फैंसी कार, बिग हाउस, वर्ल्ड टूर, चैरिटी करना, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, हर एक इंसान का सपना होता है। हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें पाना, हर इंसान चाहता है इनको हासिल करना। जब बचपन में, जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारे सपने उसके होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो धीरे धीरे करके उनके सपने सिमटते चले जाते हैं और वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। तो उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को जानना होगा। 1960 में एक फैमिली को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। 100 रुपए में वो फैमिली चल जाया करती थी, मेंटेन हो जाती थी, लेकिन वहीं पे अगले 20 साल में वहां पे 1 जीरो बढ़ गया, यानी कि 100 रुपए की जगह अब आपको 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। जहां पे 1980 में सिर्फ 1000 रुपए में फैमिली मेंटेन हो जाया करती थी, वहीं पे अगले 20 साल यानी कि 2000 में उस फैमिली को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, यानी कि 1 जीरो और बढ़ गया। और उसके बाद 2020 जो अभी खत्म हुआ है, उसमें 1 जीरो और बढ़ा, और जिस फैमिली को 1960 में 100 रुपए में चलाया जाता था, उस फैमिली को 2020 में चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगी। अब आता है 2040, अगले 20 साल बाद, यानी कि अब आपको चाहिए 10 लाख रुपए महीने। अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए का कुछ ऑप्शन या कोई बिजनेस ढूंढ लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और अगर अभी तक नहीं ढूंढा है तो इस मीटिंग के लास्ट तक आप लोग बने रहे, तो लास्ट तक आप लोग सीखेंगे कि हम लोग यहाँ से कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक है कि जो सिर्फ ओनली ओनली हमारा जो मेंटेनेंस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लग्जरियस जिंदगी नहीं जी पाते। तो ये क्योंकि क्योंकि महंगाई कभी कम नहीं हो सकती, महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी, सरकार कोई भी आ जाए, लेकिन महंगाई को हम लोग कम नहीं कर सकते। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं, हाउ डू यू वॉन्ट टू अचीव योर ड्रीम, आप अपने सपनों को कैसे हासिल करना चाहते हैं। ये हर इंसान के पास कुछ ना कुछ प्लान होता है। तो सबसे पहले एक डिपेंडेंसी प्लान है जिसपे हम आज बात कर रहे हैं, जो एक्टिव इनकम जिसे बोला जाता है, 40 साल तक ये प्लान काम करता है, और उसके बाद नो वर्क नो इनकम, यानी कि जब आप काम करना बंद कर देते हैं या आपका काम खत्म हो जाता है तो आपके पास कोई काम भी नहीं बचता है, तो आपके पास कोई इनकम भी नहीं बचती है। तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, सबसे पहले इसमें एम्प्लॉयज आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज आते हैं, शॉपकीपर्स, प्रोफेशनल में डॉक्टर, सीए आदि बहुत सारे लोग हैं जो डेली काम करके यह पैसा कमाते हैं। दोस्तों, सोचिए कि अगर आप नौकरी करते हैं तो अगर आप 10 दिन नौकरी पे नहीं जाएंगे तो आपको वहां से सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई दुकान कर रखी है तो आप अगर दुकान को नहीं खोलते तो आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, तो वहां भी आपको वहां पे आपका इनकम नहीं होगा। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई जिस तरह का जो जहां पे डेली काम करना पड़ता हो, जहां पे डेली हमें एक्टिव रहना पड़ता हो, उसे एक्टिव इनकम बोलते हैं। और एक्टिव इनकम तब तक ही कर सकते तब तक हम वहां पे एक्टिव हैं, उसके बाद हम वहां पे पैसा नहीं कमा सकते। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक आता है हमारा आजादी प्लान जिसे बोला जाता है पैसिव इनकम। ये 2 से 5 साल का प्लान होता है, 2 से 5 साल के अंदर आप यहाँ से पैसिव इनकम हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कौन लोग आते हैं तो जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं राइटर्स, जो लोग बुक लिखते हैं।
बुक लिखते हैं वो लोग, जब तक बुक लिख रहे होते हैं मेहनत और टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इनकम शुरुआत में कम होती है, लेकिन बाद में जब उनकी बुक कंप्लीट हो जाती है तो बहुत सारा पैसा उनको मिलता है। और जब वो इस दुनिया से भी चले जाते हैं तो भी उनकी फैमिली को पैसा आता रहता है, क्योंकि उनकी बुक जो है वो मार्केट में चल रही है। और दूसरा आता है कि रिकॉर्ड हिट सॉन्ग, कोई भी आप गाना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी आप वीडियोज मूवीज बना सकते हैं, जब लोग उसको देखना शुरू करेंगे तो आपको वहां से आना पैसा स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, या आप लोग इन्वेस्टमेंट करके कोई बिल्डिंग खड़ा कर दें, उसको किराए पे आप दे दें, रेंट पे आप दे दें, और वहां से भी आप लोग पैसे इनकम कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए टैलेंट और इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, और वो सब लोगों के पास नहीं हो सकता, हर इंसान इसे नहीं कर सकता। लेकिन एक और ऑप्शन है जिसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों ये सारे जो बिजनेस है इसमें स्टार्टिंग में 1 से 2 साल में टाइम और मेहनत लगती है, और उसके बाद इनकम कम होती है, लेकिन 1 से 2 साल बाद यहाँ पे टाइम और मेहनत कम लगती है और इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। डायरेक्ट सेलिंग की फायदा ये है कि जो बाकी के जो मैंने आपको बताए वो काम टैलेंटेड लोग कर सकते हैं, या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा वो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई भी अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, यानी कि इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति धर्म के लोग इसे बिजनेस को कर सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने से पहले हमें समझना होगा ट्रेडिशनल मार्केट, कि हम जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं से लाते हैं। हम प्रोडक्ट खरीदते हैं रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से लाता है। और इसमें एक बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाता है, वो होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो टीवी के माध्यम से लोगों तक इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, इस प्रोडक्ट की प्रमोशन देते हैं, और ये जो बीच में जो लोग होते हैं दोस्तों, ये बहुत सारा पैसा यहाँ पे कमाते हैं। और लगभग 60 से 65% पैसा ही बीच सारे में लोग हैं जो वो कमा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, स्टॉक भी रखते हैं। और उसी तरह इस जो डायरेक्ट सेलिंग होती है उसमें इन सारी बीच के जो लोग होते हैं इनको हटा दिया जाता है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की सुविधा होती है, और ये जो बीच का पैसा होता है ये सारा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे होंगे, दोनों फोटो में आप डिफरेंट देख रहे हैं कि ऊपर एक लड़की है, उस लड़की के पास एक पर्स है और वो खाली है, लेकिन उसके पास शॉपिंग किया उसने ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन नीचे एक लड़की है जिसने डायरेक्ट सेलिंग से शॉपिंग किया, उसका पर्स भी भरा हुआ है, उसके पास काफी सारा शॉपिंग किया हुआ सामान भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यही है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की जो पावर है। तो आगे हम जानते हैं बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा है कि ये इसमें रिस्क नहीं है, जब आपने पैसा ही नहीं लगाया तो यहाँ पर रिस्क की कोई संभावना नहीं है। अनलिमिटेड इनकम, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है पैसे की। फैमिली बिजनेस, आप इसे फैमिली के साथ कर सकते हैं। ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है ये दोस्तों, पिछले किसी भी एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, और पैसिव इनकम ये बिजनेस हमें देता है। जैसा मैंने बताया कि आप बिजनेस करने के बाद अगर कुछ दिन काम करना कम भी कर देते हैं तब भी आपका पैसा यहाँ से आता रहता है, और ये दुनिया में रहने के साथ भी पैसा आता है, दुनिया से जाने के बाद भी पैसा आता है, इसी बोलते हैं पैसिव इनकम। और सबसे जो अच्छी चीज है इसमें वो है दोस्तों ये कि पार्ट टाइम आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपने जिस काम को कर रहे हैं उस काम के साथ कर सकते हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में। अब डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं कि हम ठीक है नेटवर्क इंडस्ट्री ठीक है, लेकिन किस कंपनी के साथ करें, ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है। तो दोस्तों मोदी के हिंदुस्तान की सबसे फास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 1996 में स्टार्ट हुई थी, इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट इन 1996। ये इसको शुरू करने वाले थे मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़े विजन के साथ इस कंपनी की स्थापना की, और उन्होंने डायरेक्टली बोला वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, अवर प्रोडक्ट इज आजादी। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर घर में आजादी पहुंचे, और वो बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिर्फ आजादी। वो आजादी चाहते हैं हर घर में, फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं तो जानते हैं समीर मोदी जी के बारे में कि समीर मोदी जी कहाँ से आए। तो राय बहादुर गुजरन मोदी जी फाउंडर फादर, एक ग्रुप स्टार्ट हुआ था 1933 में जिस ग्रुप का नाम है मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जो 1933 में सिर्फ 400 रुपए से स्टार्ट हुआ था बेगमाबाद गांव में, और वहां पे उन्होंने सबसे पहली शुगर फैक्ट्री खोली थी, मोदी शुगर फैक्ट्री। और 1933 से लेकर 1972 के अंतराल में उन्होंने 27 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री लगा दी, और 1968 में उन्हें उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों बेगमाबाद जो शहर था उसका नाम आज मोदी नगर से जाना जाता है, और उसके बाद उनके बेटे हैं जिनका नाम है किशन कुमार मोदी जी, और जो जिन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, मोदी ग्रुप को आगे बढ़ाया, और
मोदी ग्रुप को आगे बढ़ाया और जो हिंदुस्तान में जो बिजनेस चल रहा था उसको 90 देश में लेके वो पहुंचे। 90 देश में वो लोग इस बिजनेस को लेके पहुंचे और उसके बाद आज मोदी ग्रुप के पास 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और मोदी जो ग्रुप है उसकी अगर हम बात करें तो वो 63,000 करोड़ से ज्यादा अभी तक क्रॉस कर चुका है। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो मोदी गिर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, समीर मोदी एक विजनरी है, नेशन बिल्डर है और उन्होंने एक मोदी गिर को जन्म दिया। और मोदी गिर के पास क्या है, मोदी गिर के पास लाखों में कंसल्टेंट है। मोदी गिर फाउंडिंग मेंबर है इडिसा का, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाने के लिए इडिसा में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह RBI की गाइडलाइन के बगैर कोई बैंक नहीं चल सकती, उसी तरह इडिसा की गाइडलाइन के बगैर कोई कंपनी नहीं चल सकती। चलती है 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद वो कंपनियां खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी इडिसा में रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके बाद मोदी गिर का जो बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव बिजनेस है और रिवार्डिंग बिजनेस है। मोदी गिर के पास बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, मोदी गिर को बहुत सारे मान सम्मान मिल चुके हैं और मोदी गिर का जो प्रोडक्ट है वो GMP सर्टिफाइड है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं मोदी गिर प्रोडक्ट रेंज। मोदी गिर के पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है, जैसे वेलनेस, न्यूट्रिशन, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टी, टेक्नो के कुछ प्रोडक्ट हैं और SM वॉच यानी कि बहुत सारी घड़ी मोदी केयर के पास हैं और बहुत सारे अगरबत्ती वैरायटी। ये लगभग लगभग अगर बात करी जाए तो 14 से 15 प्रकार के मोदी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और जानते हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में। ये क्या है, द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री अप टू 62% पे आउट ऑफ योर मंथली ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। जो महीने में आप बिजनेस करते हैं उसका 62% तक आप लोग पे आउट कमा सकते हैं। और अकुमुलेटिव प्लान है, नो टाइम लिमिट है, टाइटल फॉर लाइफ टाइम। एक बार जो टाइटल आपको मिल गया वो जिंदगी भर आपको रहेगा। नो इन्वेस्टमेंट, नो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट, 100% सर्टिफिकेशन गारंटी और ट्रेनिंग सिस्टम सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। आज अगर ट्रेनिंग सिस्टम की बात करी जाए तो मोदी केयर का ट्रेनिंग सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम है। तो उसके बाद जानते सेविंग ऑफ कंजप्शन, रिटेल प्रॉफिट क्या है मोदी केयर में। जैसे कि दोस्तों हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, MRP 120 रुपए है और हमें 100 रुपए में मोदी गिर से मिल जाता है, तो हम यहाँ पे 20 रुपए अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं और जानते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि मोदी गिर ने एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, जिसे बोला जाता है डिजिटल आजादी। डिजिटल आजादी इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी गिर ने बहुत बड़ा एक तूफान ला के खड़ा कर दिया है कि आप लोग कैसे जो डिजिटली आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं अपना दुकान मोदी गिर साइट पे, आप लोगों के नाम से वेबसाइट तैयार कर दिया गया है। जितने मोदी गिर में कंसल्टेंट है सबके नाम से उनका वेबसाइट तैयार है और वो अपना मोदी गिर की जो साइट है वहां जाके अपनी दुकान को तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद उस दुकान का लिंक जो है वो लोगों को अगर शेयरिंग करते हैं तो वहां से लोग शॉपिंग करेंगे। जिस तरह अमेजोन फ्लिपकार्ट से लोग शॉपिंग करते हैं उसी तरह यहाँ से भी लोग शॉपिंग करेंगे और उसका टोटल प्रॉफिट आपके अकाउंट में, आपके बिजनेस में जुड़ जाता है। तो ये लोग ये सुविधा अभी चालू किया था तो आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद आता है हमारा लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम। पहले लॉयल्टी था लेकिन अभी उसको एक्सप्रेस में बदल दिया है। ये क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन है कि जब आप लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो मिनिमम आप 1,800 रुपये तक का ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और ज्यादा आप 5,000 रुपये तक ले सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया है कि आप लोग लॉयल्टी यानी कि 2 महीने करके तीसरे महीने में प्रोडक्ट फ्री ले सकते हैं, चौथे महीने में भी फ्री ले सकते हैं और छठे महीने में भी फ्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको रखा हुआ है कि जो लॉयल्टी जो पीरियड है अगर आप 2500 से नीचे लेते हैं तो आपको उसमें 80% तक मिलता है। तो हम ही थोड़ा सा जानेंगे भी लॉयल्टी के बारे में, लॉयल्टी एक्सप्रेस में क्या बदलाव किया गया है। अगर आप लोग 2500 रुपये का भी प्रोडक्ट लेते हैं और उसको 2 महीने लगातार करते हैं तो आपको 20% यहाँ पे लॉयल्टी फ्री मिल जाएगी। अगर आप लोग उसके बाद अब अगर मान ले 4 महीने आप लगातार करते हैं तो 4 महीने में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 60% एवरेज प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और अगर आपने 6 महीने लगातार ले लिया तो दोस्तों आपको यहाँ पे 120% फ्री मिलता है। यानी कि आपको अगर 5,000 रुपये का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको 6,000 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब जैसे नीचे आपका लिखा हुआ 5,000 रुपये का 6 महीने खरीदते तो हमें 6,000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। तो हम यहाँ पे 120% तक
हम प्रोडक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। एक कंडीशन है, 1800 से 2500 के बीच में अगर आप लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको सिर्फ 80% प्रोडक्ट फ्री मिलता है लॉयल्टी का। तो हमें 80% नहीं लेना, हमें 100% लेना है। तो अभी हम जानेंगे 7 से 16% अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों ये बहुत जरूरी है जानना, ये कैसे आता है। जब हम मोदीकेयर शुरू करते हैं, जब हमारा पहला जो टाइटल होता है वो हमारा कंसल्टेंट होता है, और 7% लेवल के लिए हमें सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत होती है। 1 पॉइंट से 300 पॉइंट तक हमारा लेवल सिर्फ 7% होता है। सीनियर कंसल्टेंट के लिए हमें 301, यानी कि 301 से 1200 के बीच में जब हमारा बिजनेस पॉइंट वॉल्यूम चला जाता है तो हमारा लेवल 10% हो जाता है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए हमें 1201 से 2700 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में जब हमारा रहता है तो हमारा 13% होता है। सुपरवाइजर के लिए हमारा 2701 से 4000 के बीच में तब रहेगा तो हमारा 15% होता है। और डायरेक्टर जब हम लोग आते हैं तो उसके लिए 4001 पॉइंट की जरूरत होती है, जहाँ पे हम लोग 16% पे चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही जानना जरूरी है कि हमें 7% के लिए 1 पॉइंट की जरूरत है, 10% के लिए 301 पॉइंट की जरूरत है, 13% के लिए 1201 पॉइंट की जरूरत है, 15% के लिए हमें 2701 पॉइंट की जरूरत है, और 16% के लिए 4001 पॉइंट की जरूरत है। दोस्तों ये सारे जुड़ते हुए क्रम में चलते हैं, ये हर महीने का जुड़ जाता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, और अभी हम लोग जो मोदी केयर का फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है इसके लिए बात करते हैं। अभी जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जून महीने के लिए स्पेशल ऑफर दिया है। 240 बिजनेस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करने के बाद आप लोग डायरेक्ट 10% पे पहुंच सकते हैं, ये कंपनी ने सुविधा दी है। जैसा कि पीछे आपने देखा 301 करने के बाद आप 10% पे जाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी उसी सिंगल महीने में ज्वाइनिंग किया है आपके किसी कंसल्टेंट ने और आप उसके 240 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम करा देते हैं तो उसका लेवल 10% हो जाता है, उसको 301 पॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कि अगर हम लोग फास्ट स्टार्ट आते हैं तो यहाँ पे हमें 1200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है जो सारे ऑफर के अलावा। और अगर अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें चल रहा है कि अगर आप लोग एक फ्रंट पे 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराते तो आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा, अगर 3 की फ्रंट पे ज्वाइनिंग कराते 2000 का, 4 की कराते 3000, 5 की कराते 4000, और 6 लोगों का आपने फास्ट स्टार्ट 10% करा दिया तो आपको 5000 रुपए तक का प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से गिफ्ट में मिलता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे, जानते हैं लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो लोग इसमें उलझे हुए हैं उनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझन है, तो आज इसे हम क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्टर जब हम लोग आते हैं तो डायरेक्टर के लिए पर्सनल मिनिमम हमें पॉइंट वॉल्यूम चाहिए, जो अपनी पर्सनल आईडी पे मिनिमम चाहिए 26। अगर हम 26 से 25 पॉइंट वॉल्यूम करते हैं तो हम पूरा फंड लेने के हकदार नहीं है, तो हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो इसलिए 26 पॉइंट वॉल्यूम हमें करना होता है अपनी सिंगल आईडी, जो हमारी पर्सनल आईडी होती है। और उसके बाद जो टोटल ग्रुप होता है उस ग्रुप को हमें 1250 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कराना होता है। उसके बाद होता है सीनियर डायरेक्टर। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, जब हम सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो हमें वो अपनी आईडी पे तो 26 करना ही करना है, ये तो लगातार करना है। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर आया, 1 लाख हमें डायरेक्टर चाहिए और 1100 पॉइंट हमें यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर के लिए जरूरत होती है। दोस्तों एक ऐसा प्लान है मोदी केयर का, जिस प्लान में आप एक सर्टन पीरियड के बाद में आप फ्री हो सकते हैं। कैसे, हम उसी के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप 1250 पॉइंट करते थे, लेकिन अब जब सीनियर डायरेक्टर आते हैं तो आपको 1100 की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब आप आते हैं तो आपके नीचे 2 लोग डायरेक्टर लेवल पे आते हैं और आपको 1100 की जगह सिर्फ 900 पॉइंट वॉल्यूम करना होता है। और जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं तो आपको 3 लोगों को डायरेक्टर लेकर आना होता है, 3 लोग डायरेक्टर आपके होते हैं, और आपको जहां पे 1100 चाहिए था, 900 चाहिए था, उसकी जगह आपको सिर्फ अभी 600 पॉइंट वॉल्यूम लगता है। टोटल टीम से 600 पॉइंट वॉल्यूम करेंगे तो आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई होगा। और प्लेटिनियम डायरेक्टर के लिए 4 लाख जरूरी होती है डायरेक्टर, और 300 पॉइंट वॉल्यूम हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और दोस्तों एक ऐसा लेवल आता है कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, जहां पे आपको 6 लोगों को डायरेक्टरशिप कराना होता है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपका मेंटेनेंस यहाँ पे 0 हो जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पीडी तक, प्रेसिडेंशियल तक हमें भागना होता है, प्रेसिडेंशियल तक हमें मेहनत करनी होती है, और उसके बाद हम सारे फंड में यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए हमें 8 लोगों की जरूरत है, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लिए हमें 11 लोगों की जरूरत है, और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लिए हमें 14 लोगों की जरूरत है। तो दोस्तों ये बिजनेस प्लान है जो मैंने आज आपके सामने प्रेजेंट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल तक भागना है, 6 लोगों को लेके हमें आगे चलना है, 6 लोगों के साथ अगर हम काम करते हैं तो हम यहाँ पे फ्री हो सकते हैं। उसके बाद आता है 4% डायरेक्टरशिप बोनस जो हमें मिलता है। वो कैसे मिलता है? 4% पूल ऑफ कंपनीज
टोटल मंथली बीवी। दोस्तों जो आपकी मंथली बीवी निकलती है उससे कंपनी के टोटल टर्नओवर से कुल निकलता है और उसके हिसाब से आपको 4% आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, लेकिन कंडीशन होती है कि 1250 पर्सनल ग्रुप पॉइंट, यानी कि आपका डायरेक्टर जो है वो क्वालिफाई हो जिसमें 1250 की आपको जरूरत होती है, तो आप इस फंड में चले जाते हैं। उसके बाद आता है 14% जो है वो होता है टीम बिल्डर बोनस पूल। ये क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, 14% आपको जब मिलेगा जब आपके नीचे एक लेग में कोई डायरेक्टर आता है और आप सीनियर डायरेक्टर आते हैं, तो आपको यहाँ पे 14% कंपनी से जो है टीम बिल्डर बोनस के रूप में एक अमाउंट दिया जाता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन अमाउंट होता है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक और दिया जाता है, जब आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे लीडरशिप बोनस ले सकते हैं, कि अगर आपका कोई सिंगल लेग, अगर आपका कोई एक लैग में 3600 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो जाता है और आप अपना सीनियर डायरेक्टर यानी 1100 पॉइंट वॉल्यूम कर लेते हैं, तो आपको सिंगल लैग की वजह से 15% लीडरशिप बोनस दिया जाता है। दोस्तों इसके लिए कंडीशन है, सीनियर डायरेक्टर एंड अबाव के लिए है ये, एक लैग 3600 का होना चाहिए, तो आपको यहाँ से लीडरशिप मिलता है। उसके बाद आगे जब आपके एक लैग डायरेक्टर आती है, आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं, तो आपको यहाँ से 3% ट्रेवल फंड मिलता है, जिससे आप लोग अपने विदेश देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये भी हर इंसान का एक सपना होता है कि मैं विदेश घूम के आऊँ। तो दोस्तों ये विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा टाइटल है, जिसका नाम है सीनियर डायरेक्टर। सिर्फ अगर उसको आप क्वालिफाई भी रखते हैं तो आपको ट्रेवल फंड मिलता है 3%, जिससे आप विदेश जा सकते हैं और वो आपके ट्रेवल फंड में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर आते हैं और आप अपना ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 600 करते हैं, तो यहाँ पे आपका लेवल होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जहाँ पे आपको मिलता है कार फंड, और यहाँ से आप अपने सपनों की एक सुंदर सी चमचमाती गाड़ी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, 3% यहाँ पे हमें ड्रीम हाउस फंड मिलता है, जब आपके नीचे 6 लोग हो जाते हैं और आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और आप यहाँ से 3% एक कंपनी से फंड लेते हैं जो होता है हाउस फंड, और उस फंड से आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और एक और होता है सबसे बड़ा, एक और फंड होता है जो बोला जाता है 2%, 2% अटूट बंधन बोनस, ये आपको मिलता है जब आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। क्राउन आरबीडी और जीबीडी के लिए ये फंड रखा हुआ है, और इस फंड की अगर बात करी जाए, अकेला जो है मंथली कैपिंग 21 लाख तक आप लोग सिर्फ इस 2% फंड को उठा सकते हैं। दोस्तों आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट आप मोदीगिर से कमा सकते हैं, कि जब 1-2% के जो फंड है उसकी कैपिंग अगर 21 लाख रखी हुई है, तो जो बाकी फंड अभी हमने काउंट किए थे उसकी कीमत कितनी रखी होगी, तो ये जरूरी है दोस्तों जानना। और उसके बाद आप यहाँ पे लोगों की, यहाँ आप अपनी पहचान बना सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं पैसा कमाने में। ये एक नोबल बिजनेस है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये बिजनेस है। और दोस्तों अब आती है बात सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सपोर्ट। अब मोदी केयर ने आपको बहुत तरीके से ट्रेनिंग सिस्टम को चालू कर दिया है आप लोगों के लिए। क्लासरूम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, फोन से ट्रेनिंग ले सकते हैं, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हमारा जो कैटलॉग है बहुत सारे, वो कैटलॉग हमारे हिंदी इंग्लिश में सारे लिटरेचर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा, इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट, अगर मोदी केयर नहीं तो फिर क्या, इफ नॉट यू देन हु, अगर तुम नहीं तो फिर कौन, और अगर अभी नहीं तो फिर कब। दोस्तों बहुत सारे लोग इसको जानने के बाद भी छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पहला कदम उठाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं स्वागत करता हूं आपका मोदी केयर में, और आइए शुरुआत करते हैं आज मोदी केयर की। और इसके बाद जो अगली जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें होता है हमारा शुरुआत 10 स्टेप टू आजादी, कैसे हम अपने सपनों को जी सकते हैं दोस्तों, कैसे हम उनको सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती है।